सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। बाबा बकाला साहब च 15 अगस्त के समागम मौके एनसीसी के 3 विद्यार्थी हुए बेहोश। हुमस भरी गर्मी च बिना टेंट तो दे रहे सी परफॉर्मेंस। स्थानक प्रशासन की वड्डी अणगहली आई सामने। सुनीता केजरीवाल का आजादी दिहाड़े तो किनारा। सीएम रिहायश से नहीं लहराया गया तिरंगा। केंद्र की मोदी सरकार नु तानाशाही सरकार की टाकरा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सूबा वासियों नु आजादी दिहाड़े की दी बधाई। बाबा बकाला साहब च स्थानक प्रशासन की वड्डी अणगहली सामने आई है। जिथे 15 अगस्त के समागम विच पेशकारी देन पहुंचे स्कूली बच्चे बेहोश होकर डिगे, जिसका कारण हुमस भरी गर्मी रही। प्रशासन की नाकामी खुल के सामने आई है। जिथे तपदी गर्मी च स्कूली बच्चे पुख्ता प्रबंधा की घाट के चलदे पानी नूं तरसदे दिखाई दिते। इन्हां विचों 3 विद्यार्थी बेहोश होकर डिगे। हद तां उस वेले हो गई जदों मौके ते प्रशासन वल्लों कोई एंबूलेंस भी मुहैया नहीं करवाई गई। देश भर में 78वां आजादी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने घर तिरंगा लहरा रहे हैं, पर इस मौके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अफसोस जताया। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स से लिखा कि अज सीएम रिहायश से तिरंगा नहीं लहराया गया, बहुत अफसोस रहा। यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री जेल च रख सकती है, पर दिल च देश प्रेम किवें रोकेगी। उथे ही दिल्ली सरकार च मंत्री आतिशी ने एक्स से लिखाया कि अज आजादी दिहाड़ा है। जदों 1947 च भारत नूं अंग्रेजां दी तानाशाही तो आजादी मिली, सैकड़े आजादी सैलानियां ने लाठियां खाईयां, जेल गए, अपनी जान कुर्बान की। सानू आजादी दिवाउण लई उन्हां दे सुपनियां च वी अजिहा विचार नहीं आया होगा कि एक दिन आजाद भारत च इक चुने हुए मुख्यमंत्री नूं झूठे मुकदमे च फसा के महीनों तक जेल च रख्या जाए। पंजाब दे मानयोग राजपाल ते प्रशासक यूटी चंडीगढ़ श्री गुलाब चंद कटारिया ने 78वें आजादी दिहाड़े मौके देशवासियों नूं बधाई दी। उन्हें कहा कि अज देश अपना 78वां आजादी दिहाड़ा मना रहा है। देश दे उन्हां बहादुर आजादी घुलाटियां की बदौलत ही असी आजादी का निग मान। करने के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को और विशेषकर पंजाब और चंडीगढ़ के सभी नागरिक बंधुओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं सोचता हूं कि इस आज़ादी को प्राप्त करने के पंजाब का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के संघर्ष में शहीद भगत सिंह को हम सब इस दिन केवल पंजाब ही नहीं सारा देश याद करता है। ये वही धरती है जहाँ लाला लाजपत राय ने आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है की घोषणा करके इस आज़ादी को यज्ञ को आगे बढ़ाया। ये वही धरती है जहाँ उद्धम सिंह जैसे व्यक्ति ने झलियावाले बाग के उस नरसंहार का बदला लेने के लिए ठेठ इंग्लैंड जाकर के भी और उसको गोली मार करके उसको इस बात का एहसास कराया कि आज़ादी के प्रति देश के अंदर कितना बड़ा उबाल है। इन क्रांतिकारी शहीदों ने इस देश की आज़ादी को जंग को लड़ा है। केवल मैं सोचता हूँ कि हज़ारों लोगों ने जेल की यातनाएं बर्दाश्त की, काला पानी की सज़ा को बर्दाश्त किया, लेकिन आज़ादी के इस लोह को
उन्होंने कभी भी कमज़ोर नहीं होने दिया। और इस कारण से यह जो आज़ादी का पर्व है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही एक तरह से संतोष का दिन है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 वर्ष पूरे हुए थे, जब अमृत काल हमारी आज़ादी का मनाया था, तो उन्होंने देश की जनता के सामने एक बात रखी थी कि अब हम अमृत काल है, लेकिन हमारा लक्ष्य है जब 2047 में हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, तब हमारा देश दुनिया का नंबर वन का आर्थिक दृष्टि से और सब दृष्टि से देश बने। और उसके लिए उन्होंने हम सबको भी प्रेरित करने का प्रयास किया है। अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम विखे जिला पदरी समागम दौरान कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने देश के 78वीं आजादी दिहाड़े मौके तिरंगा लहराया, देशवासियों को आजादी दिवस की बधाई दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थौरी, पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह ढिल्लों समेत कई अधिकारी हाजिर रहे। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 78ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ अपना खून ये सिंध के साडे देश नू अंग्रेजा तो आज़ाद कराया और वो आज़ादी अज असी सारे एक संविधान के अधीन मान रहे हैं। साडा सारयां दा फर्ज बनता कि असी अपने हिंदुस्तान नू, अपने पंजाब नू खूबसूरत बनाईए। मेरी एहो अरदास है सच्चे पातशाह दे दर ते कि असी नेक कमाई करिए, रज के रोटी खाइए, सुख दी नींद सोईए, एक दूसरे नाल भाईचारा बना के रखिए, देश नूं तरक्की दे राह ते लिजाइए। देश दे 78वें आजादी दिहाड़े मौके रोपड़ दे नेहरू स्टेडियम विच जिला पदरी समागम दा आयोजन किया गया, जिस विच पंजाब विधानसभा दे डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोड़ी मुख मेहमान दे तौर ते हाजिर होए ते उन्हां कौमी झंडा लहराया। इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने परेड का निरीक्षण किया ते परेड तों सलामी लई। इस समागम दौरान वख-वख स्कूलां दे बच्चियां ने पेशकारियां कीतियां ते देश दे वख-वख सूबियां दी देशभक्ति दी लोकनाच ते कोरियोग्राफी पेश कीती। इस मौके ते सुतंत्रता सेनानियां ते देश दी खातर शहीद होए फौज दे जवानां दे परिवारां नूं सन्मानित कीता गया। इस दौरान लोड़वंदां नूं सिलाई मशीनां ते पाहिजां नूं ट्राई साइकलां वी दित्तियां गईयां। इस मौके ते जैकिशन रोड़ी ने देश ते पंजाब वासियां नूं आजादी दिहाड़ी दी वधाई दी ते सरकार दीआं उपलब्धियां गिणाईआं। पुंछ जिले की मंडी तहसील के विच भी 78वां आजादी दिहाड़ा मनाया गया। तहसीलदार मंडी श्री अशफाक हुसैन ते एसएचओ मंडी सुनील सिंह वालों झंडा लहराया गया। इस प्रोग्राम विच कई स्कूली बच्चों ने भाग लिया। प्रोग्राम विच तहसील प्रशासन के सारे विभागों ने भी हिस्सा लिया। आर्य समाज बाजार शरदानंद अमृतसर विखे प्रधान शशि कोमल की प्रधानगी हेठ देश के 78वें आजादी दिहाड़े मौके तिरंगा लहराया गया ते देशवासियों नूं आजादी की बधाई दी गई। इस मौके पवन टंडन, बलराज झुली, पंडित पवन त्रिपाठी, विद्यासागर ते होर मैंबर हाजिर रहे। हुशियारपुर के पुलिस लाइन में डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल वालों झंडा लहराने की रस्म अदा की गई। इस उपरंत समाज में समाज सेवा के खेत्र के वधिया काम करने वाले लोगों को सन्मानित किया गया। इस दौरान पुलिस टुकड़ी तो भी सलामी ली गई।
स्वतंत्रता दिवस मौके ज्ञानी करतार सिंह मेमोरियल सरकारी काल स्टेडियम टांडा विखे सब डिवीजन पदरी समागम करवाया गया, जिथे एसडीएम व्योम भारद्वाज दे वलो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लहराया गया। इस मौके पुलिस की टुकड़ी वलो कौमी झंडे नूं सलामी दी गई ते वख-वख स्कूलां ते कालजां दे विद्यार्थियों ने देशभगती दे प्रोग्राम पेश कीते। इस मौके ते आजादी घुलाटियां दे परिवारां ते समाज सेवी शख्सियतां नूं सन्मानित कीता गया। अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट विखे चेयरमैन अशोक तलवाड़ ने देश के 78वीं आजादी दिहाड़े मौके तिरंगा लहराया ते देशवासियों नूं आजादी दिवस की वधाई दी। इस मौके ते डॉक्टर इंद्रपाल सिंह समेत कई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारी हाजिर रहे। शहीदां नूं याद करदियां ते समाज अंदर फैले नशियां दे कोड़ नूं खत्म करन लई हौका देण दे लई नंगल विच स्थानक पत्रकार शिव कुमार कालिया वल्लों पिछले 13 सालां तों लगातार पैगामे इनकलाब यात्रा कढ़ी जा रही है। इस मौके यात्रा की शुरुआत करन समें नंगल दे समाज सेवियां वल्लों जिथे उन्हां दा स्वागत कीता गया, उत्थे रस्ते विच वख-वख पड़ावां ते लोक शिव कुमार कालिया दे उस उद्यम दा स्वागत करदे हुए नजर आए। आनंदपुर साहिब पहुंचण ते यात्रा की समाप्ति मौके भी स्थानक लोगों वल्लों शिव कुमार कालिया दा उचेचे तौर ते सन्मान कीता जांदा। आजादी दिवस मौके हर वार की तरह अज भी हिंद पाक दोस्ती मंच वालों देर रात 12 बजे अटारी वाघा सरहद से पहुंच के मोमबत्तियां जगा के अमन ते शांति का सुनेहा दिता गया। इस दौरान मंच के आगुआ ने कहा कि दोवें देशों दी सरकारां कोलों अटारी वाघा सरहद 1947 के विछड़े लोगों के मिलन ते व्यापारियों की सहूलत लई खोलना चाहिए। इसके चलते दोवें देशों की जनता विच मुड़ तों प्यार ते अमन शांति की भावना बनी। 1947 विच जो परिवार बणदी फिरकू सियासत का शिकार हुए सन वह जल्द एक दूसरे नूं मिल सकन। मामला अमृतसर देहाती दे थाना करिंडा तो सामने आया, जिथे दे पिंड भंकने विच पंचायत वालों लाट रूड़ी सुट्टन की जगह नूं लैके पिंड दे एक नौजवान ने दूजे धिर ते गोलियां चला के एक नौजवान नूं गंभीर रूप विच जख्मी कर दिता। फिलहाल नौजवान की लत दे विच दो गोलियां लगियां ने जिसके चलते उसनूं इलाज के लिए हस्पताल च दाखिल कराया गया। उधर पुलिस वालों मामला दर्ज करके जांच की जा रही। उधर जीरकपुर च एक सड़क हादसा वापर गया, जिथे पिंड कनौली च खेतां च सतलुज स्कूल की बस पलटन की खबर है। बस विच उस समय 5 तों 6 बच्चे सवार सन। इस मौके एक बच्चा भी जख्मी होया जिन्हां नूं पिंड वासियां ने हस्पताल च दाखिल करवाया। सुखी वार्ड संस्थापक पंजाब भवन सरी कनेडा ते पंजाब भवन जलंधर के उपराले सदका रणजीत कौर बाजवा के संपादन हेठ छपी जिला गुरदासपुर टू के बाल लेखकों की नवी किताब नवियां कलमां नवी उडान पुस्तक भाग 32 का लोक अर्पण समारोह करवाया गया। BUC कॉलेज बटाला विखे करवाए गए समारोह दौरान पंजाब भवन सरी कनेडा के संस्थापक श्री सुखी वार्ड ने बतौर मुख मेहमान शिरकत करदिया किताब की घुंड चुकाई की रस्म अदा की। समारोह की प्रधानगी कॉलेज प्रिंसीपल डॉ अश्विनी कांसरा ने की। इस मौके से जिला सिक्ख्या अफसर सैकेंडरी सिक्ख्या स्टेट अवार्डी राजेश कुमार, जिला भाषा अफसर गुरदासपुर ते अमृतसर डॉक्टर परमजीत सिंह कलसी भी समारोह का हिस्सा बने। इस दौरान समूह स्टाफ नूं बूटे भी वंडे गए।
जिला होशियारपुर के शहर उर्मुट टांडा विखे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों 15 अगस्त आजादी दिहाड़ी काली दिवस वजो मनाया गया। इस मौके किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली कड़ी गई, जिसकी आरंभता गुरुद्वारा छेवीं पातशाही पुल फुकता तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के जिला प्रधान परमजीत सिंह भुल्ला की अगुवाई की गई। रैली म्याणी दसूहा टांडा उर्मुट तो होंदे हुए गुरुद्वारा पुल फुकता साहिब विखे समाप्त होगी। रैली तो पहला किसानों वालों केंद्र सरकार के खिलाफ रज के नारेबाजी ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। इस दिनाली खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होता है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।